तो हेलो मेरे भाई लोग, तो कैसे आप सब। तो आज के इस वीडियो में देखने जा रहे हैं किस तरह से हम AOMEI बैकअप और सॉफ्टवेयर को डाउनलोड प्लस इंस्टॉल प्लस यूज के बारे में मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, इसका फुल रिव्यू करूंगा और आप सबको बताऊंगा कि कौन कौन सा ऑप्शन से हम क्या क्या कर सकते हैं। फिलहाल अभी चलिए देखते हैं कि किस तरह से हम इसको डाउनलोड प्लस इंस्टॉल कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो आप सबको एक ब्राउजर ओपन कर लेना है, मैं क्रोम ओपन कर रहा हूँ। तो आप सबको सर्च करना है AOMEI बैकअप और डाउनलोड, जैसे कि देख पा रहे हो ये आ चुका है। आप सबको सर्च कर लेना है सेम टू सेम यही, देन हमें क्या कर लेना है एंटर की प्रेस कर देना है कीबोर्ड से, तो कुछ इस तरह से आ जाएगा। तो सबसे फर्स्ट में आप सबको मिलेगा एक लिंक डब्ल्यू अप बैकअप के तरफ से, वेबसाइट का नेम ध्यान से देख लीजिएगा और इसका लिंक आप सबको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। तो सबसे फर्स्ट वाला लिंक पे हमें क्लिक कर लेना होगा। तो फ्रेंड कुछ इस तरह से वेबसाइट खुल चुका है और ये फ्री वर्जन वाला हम डाउनलोड करेंगे, क्योंकि फ्री में भी हम बैकअप ले सकते हैं विंडोज़ को और रिस्टोर कर सकते हैं। इसके बारे में मैं डिटेल्स में वीडियो बनाने वाला हूँ, तो उस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा कि किस तरह से इस सॉफ्टवेयर को यूज़ करना है। तो फ्रेंड इस सॉफ्टवेयर को डाउनलोड करने के लिए डाउनलोड फ्री पे क्लिक कर लेना होगा। तो फ्रेंड कुछ इस तरह से आ जाएगा और आप सब में ऑटोमेटिक डाउनलोड होने लगेगा। और मेरे तो IDM है तो मैं स्टार्ट डाउनलोड क्लिक कर ले रहा हूँ। और ये 126 MB का सॉफ्टवेयर है, तो इसको डाउनलोड होने देते हैं। तो फ्रेंड कुछ इस तरह से डाउनलोड होके आ चुका है, तो मैं ओपन पे क्लिक कर ले रहा हूँ। आप सब भी ओपन पे क्लिक कर लेना या फिर फाइल में जाके जहाँ पे डाउनलोड हुआ है दिस PC में जाके आप सब उसको डबल क्लिक कर लेना। तो कुछ इस तरह से यस नो करके आ जाएगा, तो आप सबको यस पे क्लिक कर लेना होगा, देन ओके पे क्लिक कर लेना होगा। एंड देन फ्रेंड कुछ इस तरह से आएगा, तो हम सबको स्किप पे क्लिक कर देना है एंड इंस्टॉल पे क्लिक कर लेना होगा। और इंस्टॉल होना स्टार्ट हो चुका है। तो फ्रेंड जैसे कि देख पा रहे हो इंस्टॉल हो चुका है और हमें वेबसाइट पर रिडायरेक्ट कर दिया। इसको कट कर देते हैं और कुछ इस तरह से हम कट कर देते हैं, मतलब क्लोज कर देते हैं। और जैसे कि देख पा रहे हो डेस्कटॉप पे आइकन आ चुका है, इस पर डबल क्लिक कर लेते हैं और यस पे क्लिक कर देते हैं। तो कुछ इस तरह से उसका लोडिंग स्क्रीन है और ये ओपन हो चुका है। तो फ्रेंड हम इस वीडियो में देख चुके हैं कि किस तरह से सॉफ्टवेयर को डाउनलोड करना है और किस तरह से इंस्टॉल करना है। आने वाले नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि इसको यूज किस तरह से करना है, तो उस वीडियो का लिंक आप सबको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो गाइस अगर आपको वीडियो पसंद आएगा, वीडियो पसंद है तो लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब। तो मिलते हैं बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो में।